मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आज श्री हरिवृद्ध आश्रम के निराश्रित निर्धन और बेसहारा बुजुर्गों की अनूठी होटल पार्टी हुई, जिसमें उन्होंने एक आलीशान होटल में गर्मा गर्म दाल बाफले और लड्डुओं का न केवल भोजन किया बल्कि होटल में बुजुर्गों ने गाने गाकर डांस भी किया। इस दौरान होटल संचालक ने बुजुर्गों को उनके उपयोगी उपहार भेंट किए और फूल मालाओं से स्वागत किया। होटल राजावत के संचालक महीपाल सिंह राजावत और गजेंद्र पाल सिंह ने अपने होटल के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री हरिवृद्ध आश्रम के बुजुर्गों को सम्मान सहित होटल में आमंत्रित किया और उनका सम्मान कर उन्हें प्रेम से दाल बाफले लड्डू खिलाए। गौरतलब है कि एक ओर जहां 50 से अधिक इन बुजुर्गों को उनकी ही अपनी संतानों ने केवल तीर स्कृत किया बल्कि उनके साथ मारपीट कर उन्हें वृद्धाश्रम आने के लिए मजबूर किया है, वहीं होटल राजावत द्वारा समाज में बुजुर्गों की सेवा और सम्मान का ऐसा नायाब उदाहरण निश्चित ही आज के युवाओं को प्रेरणा देता है। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भगवान राम ने जहां केवट को गले लगाकर और शबरी के झूठे बैर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था, वहीं ऐसा ही संदेश विदिशा की होटल राजावत में चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ये जो कार्यक्रम राजावत होटल की तरफ से आज आयोजित है, ये एक अनूठा कार्यक्रम भी है और अनुकरणीय भी है। अनूठा इसलिए है कि आमतौर पर लोग दान तो बहुत करते हैं, भोजन भी कराते हैं लोगों को, लेकिन अपने संस्थान में बुलाकर और सम्मान के साथ वृद्ध व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को अपने साथ भोजन कराने का ये जो पहल हुई है, ये बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। इसमें आत्मसंतोष भी मिलता है और जिन व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम निसंदेह प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और होटल राजावत के 10 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रिय छोटे भाई महिपाल जी, उनके बड़े भाई हमारे आदरणीय गजेंद्र भाई साहब द्वारा 10 वर्ष पूरे होने पर एक बड़ा अनूठा आयोजन उन्होंने किया है। शहर के लोगों को तो उन्होंने आमंत्रित किया ही है, लेकिन जो वृद्धाश्रम में दुर्भाग्य से कुछ हमारे लाचार बेबस बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको भोजन कराने का काम उन्होंने बहुत ही आत्मा से, बहुत ही सम्मान के साथ जो उन्होंने इस तरह से भोजन कराने का काम किया है, वास्तव में मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसा ही उन्होंने जो हमारे मूक बधिर संस्था है उनके जो बच्चे हैं उनको भी भोजन कराने का काम किया है। बहुत सारे हमने आयोजन देखे हैं इस तरह के, जो सालाना महोत्सव होते हैं व्यापार व्यवसाय के, लोग 5-स्टार होटलों में, बड़े बड़े होटलों में आयोजन कर लेते हैं, लेकिन एक इंसानियत और मानवता का जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, गरीब लाचार बेबस लोगों को जिनका कोई नहीं है, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनको अपनेपन का भाव दिखा करके, उनको अपने माता पिता तुल्य मान करके जिस तरह से आयोजन किया, वास्तव में मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। अद्भुत यह आयोजन है, मेरी तरफ से इस प्रतिष्ठान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह प्रतिष्ठान खूब फले फूले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।